हर थोड़ी देर में पानी पिलाते हो? नहीं, 3-4 घंटे बाद एक बार देना होता है। डॉक्टरों ने ये बोल दिया कि मतलब घर बिक जाएगा, इतना पैसा लग जाएगा। पानी वगैरह सब नलके से दिया जाता है, मुँह से नहीं खा पाती। पानी वानी सब आप दे रहे हो, खाना वाना क्या खिला रहे हो गुड़िया को? नलकी से दे रहे हो? नाक में नलकी लगी है जी, उसी के थ्रू उसको खाना वाना दिया जाता है, लिक्विड ही दे सकते हैं। आपने बस मदद ये करनी है कि वीडियो को दबा के शेयर मारना, जितने भी आपके परिवार में फोन है सबके फोन लेके शेयर मारना, इसी से आपके दुआ लग जाएगी, आगे कोई ना कोई बंदे तक ऐसी वीडियो पहुंच जाएगी जो मदद कर देगा तुरंत मिनट के अंदर। फाइनेंशियली परिवार बहुत ज्यादा नाजुक, कितनी यहाँ से नर्स निकले होगी, कितने यहाँ से डॉक्टर निकले होंगे, किसी ने ये नहीं फील करा कि अब छोटी सी नन्नी सी जान इसको बचा लिया जाए। क्या माँ सारे काम कर रही है, मैं यहीं पे ही हूँ उड़िया के पास, इसकी मदद करे बिना नहीं जाऊंगा मैं। बस एक बार अपने भाई की सुन लो आप यार, प्लीज हमेशा प्यार देते हैं वीडियो में, आज मेरे को सिर्फ प्यार चाहिए आपका वीडियो के शेयर से, ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक है? वेरी गुड वेरी गुड। वो देखो मना कर रही, मत रो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक माँ खुद हॉस्पिटल में बच्ची को ले आकर खुद सारे काम कर रही है, कोई नर्स कोई डॉक्टर नहीं है कि कोई किसी के अंदर इंसानियत हो कि बच्ची को देख सके। बच्ची बिल्कुल चल रही थी, स्कूल वूल जा रही थी, स्कूल में थी कॉलेज में थी जी, जॉब करती थी, अचानक से बच्ची की बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। इनके नाना जी है मेरे साथ बैठे हुए, हवा कर रहे हैं, बच्ची की पूरी सेवा कर रहे हैं इस उम्र में, बल्कि बच्ची को साथ देना चाहिए नाना जी को, ये काम इसलिए करना पड़ रहा है कि कोई है नहीं, अब कौन साथ देगा बताओ। परिवार पूरा टूट चुका है, हिम्मत हार चुका है, पूरा परिवार रो रहा है। ये इनके मामा जी हैं, ये इनकी माता जी है, पापा कई साल हो गए, पापा नहीं है। अच्छा। 20 अक्टूबर 2022 मैं गंगाराम हॉस्पिटल में हूँ करोलबाग के। इस टाइम बच्ची को जरूरत है आपकी, प्लीज़ बच्ची पूरी फिट थी, मैं आपको देखो साइड में फोटो दिखा रहा हूँ, बच्ची पूरी फिट थी, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर बच्ची है, अचानक से पूरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। बढ़िया बेटा, ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक है, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये हिम्मत रखते हैं, चल चुप हो जा। वो देख गुड़िया चुप करा रही है, चुप कराओ। वो देखो रो रही है, चुप कराओ, बोलो मैं ठीक हो जाऊंगी। वो देखो मना कर रही है, मत रो मना कर रही गुड़िया आपको, आप उनकी बात मानो आप, ठीक है, रोना नहीं है, रोना नहीं है दीपिका, ठीक हो जाएगी गुड़िया, पूरी फिट थी, पूरी फिट, कोई कमी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अचानक से बच्ची की बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। इस टाइम गंगाराम हॉस्पिटल में आपका भाई है और बच्ची को इस टाइम मदद की बहुत ज़रूरत है, फाइनेंशियली बहुत डाउन है परिवार, देखो माँ को सारे काम करने पड़ रहे हैं, इमरजेंसी में। आप कितने घंटे से यहाँ पर गुड़िया बोल पड़े? 12 घंटे हो गए गुड़िया यहीं पे, 12 घंटे से डॉक्टर कोई नहीं आया, किसी को तरस नहीं आया? हमने यही कहा था कि इमरजेंसी में इसको कुछ खिलाना है, 2 दिन से चबा नहीं पा रही, तो इमरजेंसी में नलकी ले आते, वो कह रहे बाहर नलकी लिया, हम लेके आगे लगा दी, बस इतना बोला। इमरजेंसी में जाते तो पर्चा बनता ना, हम तो उसमें जनरल ओपीडी में गए, उसमें लिख दिया आप यहाँ ना वेट करो बेड के लिए, तो हम सुबह से वेट ही कर रहे थे, अगर इमरजेंसी में जाते तो पर्चा बनता। इस टाइम बच्ची को आपकी बहुत जरूरत है मेरे भाई, पहली बार आपसे मदद की रिक्वेस्ट कर रहा आपका तहलका भाई, जो भी करोलबाग के नियर रहता है जिसके अच्छे खासे लिंक हैं, वो इस प्यारी सी मासूम सी बच्ची देखो कितनी मुस्कुराती हुई बच्ची आपको फोटो में दिख रही है, वो यही बच्ची है जो बिल्कुल इसकी बॉडी काम नहीं कर रही है। गंगाराम हॉस्पिटल में आपका भाई आया हुआ है, आपने बस मदद ये करनी है कि वीडियो को दबा के शेयर मारना, जितने भी आपके परिवार में फोन है सबके फोन लेके शेयर मारना, इसी से आपका दुआ लग जाएगी, आगे कोई ना कोई बंदे तक ऐसी वीडियो पहुंच जाएगी जो मदद कर देगा तुरंत मिनट के अंदर। फाइनेंशियली परिवार बहुत ज़्यादा नाजुक है, देखो कितने भैया ने बताया 12 घंटे से गुड़िया यहीं पर ही है, पिछले 12 घंटे से गुड़िया यहीं पर ही है, कोई कितने कितने यहाँ से कितनी यहाँ से नर्स निकली होगी, कितने यहाँ से डॉक्टर निकले होंगे, किसी ने ये नहीं फील करा कि अब छोटी सी नन्नी सी जान इसको बचा लिया जाए। क्या माँ सारे काम कर रही है, अभी आंटी क्या लगा रहे थे अभी आप गुड़िया को? पानी वगैरह सब नलके से दिया जाता, मुँह से नहीं खा पाती। पानी वानी सब आप दे रहे हो, खाना वाना क्या खिला रहे हो गुड़िया को? नलकी से दे रहे हो? नाक में नलकी लगी है जी, उसी के थ्रू उसको खाना वाना दिया जाता है, लिक्विड ही दे सकते हैं। अच्छा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, मैं यहीं पे ही हूँ उड़िया के पास, इसकी मदद करे बिना नहीं जाऊँगा मैं, बस एक बार अपने भाई की सुन लो आप यार, प्लीज़ हमेशा प्यार देते हैं वीडियो में, आज मेरे को सिर्फ प्यार चाहिए आपका वीडियो के शेयर से, एक बार आप किसी भाई के भी लिंक हैं अच्छे लेवल पे, आज गुड़िया को एडमिशन मिल जाए बस, और गुड़िया का तुरंत काम हो जाए,
कितने हॉस्पिटल आपने पता कर लिए भैया, आप कह रहे थे कि नहीं नहीं ले रहे, कितने हॉस्पिटल पता? पंथ में भी गए, आरएमएल में गए जी, और एम्स में भी दो बार जाके आए, लेकिन नंबर नहीं आ रहा। और थोड़ी देर में पानी पिलाते हो? नहीं, तीन चार घंटे बाद एक बार देना होता है। डॉक्टरों ने ये तक ये बोल दिया कि मतलब घर बिक जाएगा, इतना पैसा लग जाएगा। इतना पैसा लग जाएगा। अच्छा जी, क्योंकि इतना महंगा भी है, इस वजह से, और आईसीयू की जरूरत है इसको, इस टाइप का पेशेंट। समझ गया। नहीं आंटी, माता रानी बिल्कुल ठीक करेगी, हमारी बच्ची बिल्कुल फिट हो जाएगी जैसी थी। बंदे मैसेज तो यही कर रहे हैं कि सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है इस चीज के लिए। सीधे नहीं कर पा रहे को डेटा। जी नमस्कार नमस्कार जी जी, बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई है आपका लिंक? जी लिंक है कोई आपका? क्या हो गया इनको? पैरालाइज हो गया, न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है। तो दोस्तों, दो तीन घंटे इंतज़ार करने के बाद, यहाँ डॉक्टरों से बात करने के बाद एडमिशन हो गया बच्ची का। और आप सबका धन्यवाद, बच्ची को एडमिशन मिल गया है, चाहे किसी के थ्रू मिला हो, एडमिशन मिल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, गंगाराम में बच्ची एडमिट हो गई है, तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों, जैसे ही मैं लाइव आया था, भाई नियर, बिल्कुल मेरे नियर थे, तुरंत भागे चले आए। सेकंड के अंदर इन्होंने एंट्री मारी, ये देखते हुए कि भाई सन्नी भाई मदद मांग रहा किसी के लिए, आपसे रुका नहीं गया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मतलब उनमें क्या फीलिंग आई, जनता को क्या करना चाहिए ऐसे ऐसे टाइम पे? बस सबकी हेल्प करनी चाहिए सबसे पहले तो। राइट। हाँ, आप बिल्कुल नज़दीकी थे? बिल्कुल नज़दीक था जी, मैंने आपको देखा तो मेरे को लगा सन्नी भी आए, तो मैंने कहा मिलता हूँ और क्या पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। यही प्यार जिंदगी भर सबके साथ रखना आपने, ये जो ताकत है ना सोशल मीडिया की, ये इससे बढ़कर कुछ नहीं है। बिल्कुल दीदी, अंदर से किसी मैडम का फोन आया था, क्या नाम था मैडम का जो डॉक्टर मैडम है? शीला मैडम। अच्छा, अच्छा अच्छा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। टीना दीदी, आपने बस एक फोन पे सारा काम करवा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। दिल्ली का कोई भी आपका हॉस्पिटल का काम रुका हो या कोई समस्या बड़े लेवल की आ रही हो, तो नीचे फेसबुक आईडी आ रही टीना दीदी की। टीना दीदी और अशोक सर इसी लेवल पे, बड़े लेवल पे सेवा का काम करते हैं, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ। कभी भी आप टीना दीदी को याद कर सकते हो, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में सारे कामों को करवाया, एडमिशन करवाया, बेड दिलवाया उसी हॉस्पिटल में जहाँ पे उनको दिक्कत आ रही थी 13-14 घंटे से। टीना दीदी की नीचे फेसबुक आईडी आ रही है, आप भी इनको फॉलो कर सकते हो, आपको कभी जरूरत पड़े तो टीना दीदी को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो आप।